देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज में जाबिर शाह। दर्शकों, कल नासिक विभाग के शिक्षक मतदार संघ के चुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मनमाड़ गणेश नगर के एक बंगले में 2-4 लोगों को पैसे के पैकेट वाटअप करते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक मतदार संघ में जो उम्मीदवारी कर रहे हैं विवेक कोले, इनके लोग 5-5 हज़ार रुपया शिक्षक लोगों को पैकेट बनाकर बांट रहे थे, क्योंकि कल चुनाव होने वाले हैं, कल पोलिंग होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस को गोपनीय मालूमात मिली थी। और गोपनीय मालूमात मिलने के बाद मनमाड़ पुलिस वो तहसील विभाग के अधिकारी वहां पर पहुंच गए और इन्होंने रंगे हाथों वहां पर पैसा वाटअप करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 45 पैकेट तैयार उनको जब्त किए हैं, जिसमें हर पैकेट में 5,000 रुपया पैक किया जा रहा था। दर्शकों, ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सामने आते हुए आपको दिखाई दे रही है कि वैसे तो चुनाव के दौरान चुनाव में पैसे वाटअप एक आम सी बात है, लेकिन इसको प्रूव कर पाना, साबित कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हर चुनाव में पैसे का वाटअप होता है, लेकिन कहीं छुप छुपा कर होता है, कहीं गोपनीय होता है। ये भी यहाँ पर गोपनीय तरीके से किसी एक बंगले में खुफिया तौर पर कुछ लोग बैठकर 5-5 हज़ार रुपये के पैकेट तैयार कर शिक्षकों को बांट रहे थे। वैसे 2 रोज़ पहले हमारे पास भी खबर आई थी कि कुछ लोग 10,000 रुपया बांट रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े वाटअप किए जा रहे हैं, जबकि ये पढ़े लिखे लोगों का शिक्षक लोगों का चुनाव होता है, जिसमें पढ़े लिखे ग्रेजुएट शिक्षक जो टीचर्स होते हैं वो इसमें मतदान करते हैं। लेकिन क्या वो लोग भी इस तरीके से पैसे लेकर मतदान करते हैं, और शिक्षक मतदार संघ में उम्मीदवारी करने वाले लोग भी क्या पैसे देकर चुन कर आते हैं? जब अगर पैसे देकर कोई चुन कर आएगा या पैसे लेकर कोई वोट करेगा, तो क्या इस देश का विकास होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर यहाँ पर हमारे पास में कुछ मुलाकातें हैं, कुछ बाइट से है, उसमें आपको तफसीली मालूमात और मुकम्मल जानकारी देंगे कि पूरा मामला क्या था, पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया, उन पर कौन सी कार्रवाई की, कौन कौन से लोग गिरफ्तार हुए थे, किसके लिए ये लोग काम कर रहे थे, और पुलिस इसके ऊपर क्या एक्शन लेने वाली जा रही है। आइए सुनते हैं मुलाकात में क्या है पूरी सच्चाई। ओके सर, अगर तुम्ही तुमचं नाव सांगा आणि काय कारवाई केली ते सांगा। मी मंडळाधिकारी मनमाड SM गुळवे। मला भरारी पथक प्रमुख श्री कैलास गायकवाड तहसील कार्यालय नांदगाव यांनी बोलवल्यावरून व त्यांना गुप्त माहिती मिळाल्यावरून मौजे मनमाड शिवारातील माधवनगर तथा गणेश नगर या विभागात कोणीतरी 2 व्यक्ति हे तात्पुरते भाड्याने घर घेऊन संबंधित शिक्षक मतदारांना पैसे वाटपाचा कार्यक्रम चालू असल्याबाबत मनमाड पोलीस स्टेशन यांना गुप्त माहिती मिळाल्यावरून आम्ही तहसील आणि पोलीस अशी संयुक्त त्या ठिकाणी भेट दिली असता, तिथं 2 इसम संजीवनी एज्युकेशन संस्था कोपरगाव यांचे आढळून आलेले आहे। त्यांचे नावे रेवनाथ माधव राजपूत आणि जयेश वसंतराव थोरात। त्यांच्या रूममध्ये आम्ही भेट दिली असता तिथे 45 कागदी पाकिटे, प्रत्येकी 5,000 रुपये डिंकाने सील पॅक केलेली अशी एकूण 2.25 लाख रुपये रक्कम आढळून आली आहे। सर, कोणाचा प्रचार साहित्य सापडला? सदर प्रचार साहित्य व तसेच त्यांचे सांगण्यावरून श्री कोल्हे विवेक बिपिन दादा यांचे प्रचारानिमित्त आम्ही सदर वाटप किंवा प्रचार करत आहे।